दोस्तों टाइटल और थंबनेल में आप लोगों ने देखा 13 एनबीएफसी लोन एप्लीकेशंस के बारे में मैं बताने वाला हूं इस वीडियो में कि आप लोगों को पेमेंट बिल्कुल भी करना नहीं है और वो कौन सा लोन एप्लीकेशंस है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं पेमेंट करना नहीं है, इसके पीछे भी बहुत बड़ा रीजन है। इससे पहले बहुत सारे वीडियोज मैंने बनाए हैं, उसमें भी मैंने बताया कुछ लोन एप्लीकेशंस के बारे में कि वो गलत करते हैं, क्या करते हैं, सारा कुछ आप लोगों को बताया। आज भी आप लोगों को बताने वाला हूं कुछ ऐसा लोन एप्लीकेशंस, क्योंकि ये रिक्वेस्टेड वीडियो बहुत सारे लोगों ने कुछ लोन एप्लीकेशंस का नाम लिया था जो कि गलत कर रहे हैं, और अगर गलत होता है आप लोगों के साथ तो पेमेंट बिल्कुल भी करना नहीं है। वो पैसा तो लेगा लेकिन लेकर भी ये गलत काम कर रहा है, तो वो गलत काम अगर हो रहा है तो उसको रोकना है, ठीक है। तो इस वीडियो में आप लोगों को सब कुछ बताने वाला हूं, इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है, वीडियो पूरे एंड तक देखिए बिना स्किप किए। अगर आप लोग नए हो, अभी तक सब्सक्राइब बटन प्रेस नहीं किए हो, तो सभी से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं सब्सक्राइब बटन प्रेस करके बेल आइकन को जरूर जरूर प्रेस करें। इससे क्या होगा, जो भी लोन रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करूंगा इंस्टेंटली आपको नोटिफिकेशन में मिल जाएगा। दोस्तों यहां पर लोन एप्लीकेशंस जो भी प्ले स्टोर पर अवेलेबल है या फिर बैंक्स या फिर क्रेडिट कार्ड्स, कुछ भी लोन रिगार्डिंग जो भी है, यहां पर अगर आप लोन लेते हो जो कि अनसिक्योर्ड पर्सनल कैटेगरी में पड़ता है, अगर आप लोन नहीं चुका पाते हो तो ये गलत काम पे गलत काम करते जा रहा है। अभी गलत काम क्या है, कॉन्टेक्ट लिस्ट पे कॉल करना सबसे बड़ा गलत काम। आपका प्राइवेसी लीक कर रहा है, किसी को पता ही नहीं कि आपने लोन लिया है। भाई वो उस बंदे को फोन करके उसको बोलना का मतलब क्या है? आप लोग यहां पर जो भी है लोन लेते हो, जब आप लोग बोला जाता है कि आपने लोन एग्रीमेंट में साइन कर दिया है, लोन एग्रीमेंट में ये लिखा है, लोन एग्रीमेंट में वो लिखा है, लेकिन आप लोगों को लोन एग्रीमेंट पे नाम से डराते हैं। लेकिन यहां पर आप लोगों को बता दूं, अगर मानो कोई भी लोन एप्लीकेशन आप लोगों को लोन एग्रीमेंट के नाम से अगर डराता है, तो वहां पर आप लोगों को मेंशन जरूर से जरूर करना है। लोन एग्रीमेंट में यह भी लिखा होता है कि किसी का प्राइवेसी लीक करना नहीं है, कर नहीं सकता, बोलो कॉन्फिडेंशियल रहेगा उनके पास फाइल। लेकिन वो लोग क्या कर रहे, कॉन्टेक्ट लिस्ट पे जाके जिनका नंबर दिया ही नहीं है उनका नंबर जो है लेके उनको फोन करके, कोई लेना देना ही नहीं है उनसे लोन के बारे में, ठीक है। आपने वहां पर उनका नंबर ही नहीं दिया, रेफरेंस नंबर ही नहीं है वो, फिर भी उनके पास कॉल जाता है और आपके बारे में बोल देता है सब कुछ, जो कि एक क्राइम है, इल्लीगल क्राइम। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 के अकॉर्डिंग ये एक क्राइम है, जो कि अगर आप केस फाइल करते हो, अगर केस फाइल हो जाता है 3 साल तक का जेल यहां पर प्रावधान है। अब मानो आप लोग लोन लेते हो, डिफॉल्ट करते हो, यहां पर आप लोगों को धमकी देता है, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, आपके ऊपर 420 का धाराएं लगा देंगे, ये करेंगे, तो आप लोग डर जाते हो कि आपने 420 मतलब क्या है, चीटिंग किया है कंपनी के साथ, आप लोगों ने चीटिंग किया है। बात को सही से समझो, आपने पेमेंट नहीं किया, ट्रस्ट इशू हुआ है, ट्रस्ट ब्रीच किया, 406 क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, इसके ऊपर भी धाराएं देखने को मिलता है, सेक्शन 34, मतलब आपके साथ और भी लोग हैं जुड़ा हुआ इसमें। अब आप लोगों को बताने वाला हूं यहां पर क्राइम आप कर रहे हो या फिर वो कर रहे हैं, 420 आप लोगों के ऊपर लगा रहे कि धोखाधड़ी आपने किया है कंपनी के साथ, ठीक है। अब धोखाधड़ी तो आपने किया नहीं है, कोई भी फर्जी डॉक्यूमेंट आपने डाला नहीं है, कोई भी कुछ ऐसा चीज वहां पर डाला नहीं है जो कि गलत है, आप लोगों ने सही डाला है, उन लोगों ने वेरीफाई किया है तभी आप लोगों को लोन मिला है, अगर वेरीफाई नहीं किया होता तो आप लोगों को लोन नहीं मिलता। सिविल चेक कर रहा है, पैन कार्ड तो जरूरत होता ही है सिविल में, तो पैन कार्ड अगर मतलब वहां पर वेरीफाई कर रहा है सिविल के लिए, तो वो गलत तो हो ही नहीं सकता। आपके नाम पर अगर कोई भी गलत पैन कार्ड होगा, आप अगर एडिट करके वहां पर डालते भी हो, तो वहां पर अगर API के थ्रू अगर चेक करता भी होगा कोई भी वेबसाइट में जाके, गलत पैन कार्ड होगा तो गलत दिखेगा ना, इन्फॉर्मेशन गलत दिखेगा, आपके नाम का जो है वहां पर दिखेगा ही नहीं, सिविल ही नहीं दिखेगा, इनवैलिड शो करेगा। तो आप लोग समझो चीज को, आप तो गलत नहीं दे रहे हो, 420 यहां पर आप लोग लगा सकते हैं उनके ऊपर, क्यों, क्योंकि वो आपके साथ धोखा कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, लोन एग्रीमेंट में लिखा होता है कि आपका जो भी डॉक्यूमेंट है वो हम सेफली हमारे पास रखेंगे, आपका प्राइवेसी हम लीक नहीं करेंगे, लेकिन वो कर रहा है, जो कि वो धोखा दे रहा है आप लोगों को। यहां पर वो ऐसा कर ही नहीं सकता। अब यहां पर लोन एग्रीमेंट के बाद मैंने बता दिया, जो भी धोखाधड़ी का बात बता दिया, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का जो बात आ रहा है कि आप ट्रस्ट जो है इशू कर दिए हैं, आपने 2-4 EMI आपने पेमेंट कर दिया मानो, उसके बाद आप पेमेंट नहीं कर पा रहे हो, अगर आपके मन में गलत इंटेंशन होता तो आप वो भी पेमेंट नहीं करते, ठीक है। अगर मानो ऐसा कुछ होता है सिचुएशन, तो तुरंत आप लोग मेल कर दो कंपनी को, मेल करना है, कोई SMS नहीं, मेल करना है कंपनी के मेल आईडी पर, जो कि आप लोगों के पास एक प्रूफ रहेगा। कोई ऐसा नहीं बोल सकता आपके ऊपर कि आप क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट कर रहे हो, आप वहां पर बोल सकते हो कि मेरा सिचुएशन सही नहीं है, मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए, मैं पेमेंट कर दूंगा, बस ये जो है बहुत बड़ा चीज है। अब कंपनी को अपने तरफ से उनको बोल रहे हो कि मैं यहां पर सही तरीके से मतलब पेमेंट तो करना चाहता हूं लेकिन मेरे पास पैसा नहीं है। अब सिचुएशन खराब किसी का भी हो सकता है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो कुछ भी करेगा आपके साथ, तो ये करना है। आप सेक्शन 34 आपके साथ कोई और भी जुड़ा हुआ है इसमें,
मतलब आप लोग जो है बैंक डकैती करने जा रहे हो, लूटपाट करने के लिए जा रहे हो, ऐसा जो है वहां पर बोला जा रहा है। तो आप लोग समझो यहां पर क्या सेक्शन 34 आप लोगों के ऊपर लग सकता है? सेक्शन 34 तो आप लोगों के ऊपर नहीं लगेगा, लगेगा उन लोगों के ऊपर। कैसे? एक एजेंट नहीं, उसमें हजारों एजेंट है और हजारों एजेंट के पास जो है अलग अलग तरीके से आप लोगों का डिटेल्स जा रहा है, तो वो भी जो है एक बहुत बड़ा जो है अमाउंट में वो लोग भी काम कर रहे हैं एक ही लोगों के पीछे, तो वो उनके ऊपर भी ये लग सकता है, लागू होगा। तो सेक्शन 420, सेक्शन 406, सेक्शन 34 कभी भी आप लोग डिफॉल्टर्स के ऊपर लग ही नहीं सकता। अगर बोला जाएगा आप लोग टोटली इग्नोर कर दीजिएगा, ऐसा कुछ भी होता नहीं है। लेकिन ये लोग जो भी आप लोगों के साथ गलत करता है, जो कि कॉन्टैक्ट लिस्ट पे कॉल करता है, अरे भाई जिसने लोन लेते टाइम उसका नंबर नहीं दिया है वो बंदा कौन है, किसको फोन कर रहा है उनको भी नहीं पता, वो फोन करके आपके नाम से बोल दे रहा है ये कर रहा है वो कर रहा है। अरे भाई लोन मैंने लिया है मैं ही चुकाऊंगा, वो बंदा थोड़ी चुका देगा आपका लोन। यहां पर उनको फोन करने से क्या फायदा होगा कि भाई ये वो ये कर रहा है, इससे क्या हो रहा है कि आपका रेपुटेशन खराब हो रहा है। तो यहां पर आप लोग उनके ऊपर मानहानि का केस भी कर सकते हो, आप लोगों के पास इतना राइट्स है, लेकिन वो कंपनी के पास कोई भी राइट्स नहीं है, वो लीगल तरीके से वो काम कर सकता है, सिर्फ आरबीआई का गाइडलाइंस वहां पर फॉलो करना पड़ेगा, जो कि करता नहीं है, वो अपना कामकाज करते हैं। तो यहां पर डरना आप लोगों को नहीं है, जितना डरोगे उतना आप लोगों को डराएगा, लेकिन गलत तो गलत ही होता है। यहां पर अगर ये लोग गलत कर रहे हैं, आप लोगों के नाम से गलत चीज है वहां पर स्प्रेड कर रहे हैं, माफी भी मांगना पड़ेगा। तो यहां पर कुछ कंपनीज का नाम मैं बताने वाला हूं, अगर मानो आप लोगों को देखने को मिलता है ऐसा चीजें कर रहा है, तो सिंपल तरीके से आप कंपनी को मेल करो, कंपनी के मेल आईडी पे, कि आप लोगों ने गलत किया है, मैं पेमेंट करना चाहता था लेकिन ऐसा आपने किया है जिसकी वजह से मैं पेमेंट करने वाला नहीं हूं। जब तक माफी नहीं मांगोगे मुझसे या फिर जिस भी लोगों को फोन किया है, जिस भी नंबर से फोन किया है, सभी को फोन करके या फिर रिटर्न मुझे चाहिए माफीनामा। जब तक माफीनामा नहीं मिलेगा तब तक मैं पेमेंट नहीं करूंगा, तुमको जो उखाड़ना है वो कर लो। बस इसी तरीके से आपको लिखना है या फिर बोलना है कॉन्फिडेंट तरीके से, गाली भी खाना है पेमेंट भी करना है, ऐसा तो हो नहीं सकता। मैंने लोन लिया है, मानो देरी हो ही सकता है, ऐसा कहीं पर भी लिखा नहीं कि भाई 15 तारीख है, 15 तारीख को ही पेमेंट करना पड़ेगा। आज आपका सैलरी नहीं आया, 15 तारीख को नहीं आया आपका सैलरी, 20 तारीख को आया, तो आप 20 तारीख को पेमेंट करोगे, या फिर पैसा का किल्लत आ ही सकता है। अब आप लोगों ने यहां पर लोन क्यों लिया था? लोन लिया था इसलिए कि आप मुसीबत में हो, अब मुसीबत से निकलने के लिए आप लोगों को और ज्यादा प्रेशर दिया जा रहा है। लोन तो लिए थे ऐसे ही, अब मुसीबत तो ऐसे ही चल रहा है आप लोगों के साथ, ऐसे ही तो हो रहा है ना आप लोगों को मुसीबत। तो आप लोगों को समझना यह है कि यहां पर कंपनी आप लोगों के साथ गलत कर रहे हैं, ना कि आप लोग कंपनी के साथ कोई भी गलत कर रहे हो। आप लोगों को पेमेंट करना है, टाइम लेके करना है, लेकिन उससे पहले ही ये लोग कर दे रहे हैं ऐसा कुछ चीजें। अगर मानो आप लोग ये सब बोलते हो, अगर माफी नहीं मांगता है तब तक आप लोग पेमेंट मत करना, ये मैं आप लोगों को बोल रहा हूं, पेमेंट बिल्कुल भी करना नहीं है जब तक वो माफी ना मांगे। गाली भी खाएंगे पेमेंट भी करेंगे, ऐसा तो नहीं हो सकता। एक चीज तो वहां पर कुछ तो कंप्रोमाइज करना पड़ेगा, भाई गाली खा रहा हूं तो पेमेंट नहीं करूंगा, अगर पेमेंट करूंगा तो भाई गाली देना नहीं है, गाली दे दिए हो तो माफी मांगो, नहीं तो भाई पैसा भूल जाओ, देने वाला नहीं हूं। तो चलिए वो 13 लोन एप्लीकेशन के बारे में बता देता हूं, जिसने भी ये जो भी बातें मैंने आप लोगों को बताई ये किया है, तो इन्हीं लोगों लोन एप्लीकेशन के साथ ऐसा ऐसा चीजें करना है और उनके मेल आई डी पर यही बोलना है, अगर आप लोगों के साथ कुछ ऐसा देखने को मिलता है। तो चलिए मैं अपने फोन के स्क्रीन पर चलता हूं और आप लोगों को वो 13 लोन एप्लीकेशन के बारे में बता देता हूं। तो दोस्तों सबसे पहला जो लोन एप्लीकेशन का नाम आ रहा है जिसका नाम है मोबीक्विक, घटिया से भी घटिया है, यही काम कर रहा है। जो भी नाम आप लोगों को सुनने को मिलेगा सभी सेम चीज कर रहे हैं। आप लोगों को मैंने सॉल्यूशन बता दिया, करना क्या है, पेमेंट करना क्यों नहीं है वो आप लोगों को मेंशन करना है, ठीक है। दूसरा जो लोन एप्लीकेशन का नाम है उसका नाम है कैसी, तीसरा जो है नाम उसका नाम है इनिरा। जो भी लोन एप्लीकेशन का नाम बता रहा हूं सभी के सभी यही काम कर रहे हैं। उसके बाद का जो है लोन एप्लीकेशन का नाम एमपॉकेट, फिर धनी, उसके बाद फाइव, उसके बाद श्रीराम वन, ठीक है, श्रीराम फाइनेंस जो है वो पोस्ट पे, उसके बाद है फटक पे, रूपी रेडी, फिनेबल, स्ट्रूकेड, जाइप। तो ये जो भी 13 लोन एप्लीकेशन का नाम मैंने आप लोगों को बता दिया, यही 13 लोन एप्लीकेशन सबसे ज्यादा आज के टाइम में ये कर रहा है। बहुत सारे लोन एप्लीकेशन कर रहा है, ऐसा नहीं कि यही 13 एप्लीकेशन कर रहा है, जितने भी लोन एप्लीकेशन प्ले स्टोर पर अवेलेबल है सभी के सभी ये काम कर रहे हैं। अगर सभी के सभी कर रहे हैं तो सभी के साथ ये एप्लीकेबल है, सभी के साथ ये करो, मेल करो कंपनी को, भाई पेमेंट तो मैं करना चाहता हूं लेकिन भाई इस तरीके से गाली गलौज करोगे तो पेमेंट क्यों करूंगा, भाई मेरा नाम खराब कर रहे हो। पहला बात है ये, अपना जो भी है लोन एग्रीमेंट में आप लोग बोलते हो ना लोन एग्रीमेंट के बारे में, लोन एग्रीमेंट में ये भी लिखा होता है कि भाई किसी का प्राइवेसी लीक नहीं कर सकता, लेकिन कर रहा है कंपनी, तो ये चीज जो है वहां पर मेंशन करना होगा और आप लोगों को उसी तरीके से बात करना होगा, पहले माफी मांगो पेमेंट मिल जाएगा।
माफी नहीं मांगोगे तो पेमेंट भूल जाओ, तुमको जो उखाड़ना है उखाड़ लो, मैं एक फूटी कौड़ी देने वाला नहीं, चाहे कोर्ट में लेके जाओ, चाहे पुलिस भेजो घर पे, कुछ भी करो, देखना वो तुरंत आप लोगों को माफीनामा जो है भेजेगा, लेटर जो भेजेगा, ठीक है। आप लोगों को बोलना है, आप लोगों को हैरेसमेंट कर रहे हैं, उनको भी हैरेस करना पड़ेगा ना भाई, हैरेस क्या होता है उनको भी दिखाना पड़ेगा। जिन जिन लोगों को फोन किया है सभी को जो है माफी मांगना पड़ेगा, सभी को फोन करके माफी मांगना पड़ेगा, ठीक है। जिन जिन लोगों के पास फोन गया है उन लोगों को फोन करके फिर से जो है फोन करना है और फिर से जो है उनसे माफी मांगना कि देखिए गलत हो गया, ये हमने नहीं करना चाहिए था, ये भी बोलना है कि आपका नंबर नहीं दिया था, वो हमने फोन को जो है हैक किया था, मेंशन करना है, ऐसा बोलना है, क्योंकि रेफरेंस नंबर पे कुछ और होता है जो कि 3-4 ही नंबर दिया होता है, लेकिन वो लोग कॉन्टैक्ट लिस्ट पे 200 नंबर्स पे कॉल करते हैं, आप लोग समझ सकते हो 200 नंबर्स, तो वहां पर आप लोग रेफरेंस नंबर पे दे नहीं सकते। तो दोस्तों आई होप कि इस वीडियो से आप लोगों को सही तरीके का जानकारी मिला होगा, अगर चला गया तो लाइक कर दोस्तों के साथ भी शेयर करें, सब्सक्राइब बटन प्रेस करना ना भूले, तब तक के लिए चलते रहो, टेक केयर, जय हिंद जय भारत दोस्तों।